नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज का ये वीडियो आप सभी को सूचना देने के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एक नया कार्यक्रम निःशुल्क जन्मकुंडली अध्ययन शुरू करने का सोचा है। इस कार्यक्रम में मैं आप लोगों की जन्मकुंडली का निःशुल्क अध्ययन करूँगा वीडियो के माध्यम से। निःशुल्क जन्मकुंडली अध्ययन करने के लिए नाम का चुनाव करने के लिए पहला विकल्प तो यह है, मैंने ये रखा हुआ है कि आज के इस वीडियो में आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी एक स्पष्ट प्रश्न के साथ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा विकल्प यह भी है, मतलब ये पहला वाला विकल्प तो रहेगा ही रहेगा, दूसरा विकल्प यह भी रहेगा कि मेरे इस चैनल पर कुछ 40-42 वीडियोज़ अपलोडेड हैं और उनके भी कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि कुछ जन्मकुंडली की डिटेल्स वहाँ पर दी हुई हैं, जहाँ पर लोगों ने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह चीज़ें दी हुई हैं। तो मैं वहाँ से भी कुछ जन्मकुंडली का चुनाव करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोग भी अपनी जन्मकुंडली का अध्ययन वीडियो के माध्यम से करवाना चाहते हैं एक लाइव कार्यक्रम की तरह, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बताया कि जो वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनके कमेंट सेक्शन में से भी मैं कुछ डिटेल्स देने की कोशिश करूँगा। कोशिश यही रहेगी कि एक जन्म कुंडली अध्ययन के सेशन में जो एक वीडियो होगा उसमें 10 से 15 कुंडलियों को चयन किया जाए। तो आप लोगों का स्वागत है, आप लोग वहाँ पर आइए और अपना कॉमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स दे दीजिए। 8 मई 2021 या 9 मई 2021 को, यानी कि सैटरडे या संडे को शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में आपको इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी लाइव जन्म कुंडली अध्ययन करके। वैसे ये वाला वीडियो भी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मैं उसी प्लेलिस्ट पर अपलोड करूँगा। तो वहाँ पर आपको शाम को 6 से 7 या 7 से 8, 6 से 7 के बीच में स्पेशली लाइव जन्म कुंडली अध्ययन करके प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, जिस वीडियो में आपके प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करके। तो आना मत भूलिएगा, नया कार्यक्रम है, एक नई शुरुआत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जन्म कुंडली लेने की कोशिश मैं करूँगा, तो आना मत भूलिएगा। पुनः मुलाकात होगी लाइव जन्म कुंडली अध्ययन के सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।